Good morning to my all students of class 9. Today we will discuss second chapter of chemistry and topic is types of elements. Here there are three types of elements according to their properties. आसान भाषा में यह है कि हम तीन टाइप्स के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं और ये तीन टाइप के एलिमेंट्स हैं वो होते हैं पहला मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। तो सर इनको तीन टाइप में डिवाइड क्यों किया गया? Why it is divided into three categories? It is divided into three categories because on the basis of their properties. उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तीन तरीके से। फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटल्स। ओके, clear? Now we can say that what is metal? Metal is an element that is malleable and ductile. Malleable and ductile is a property of metal you will study in previous class in AP. What is a malleable and ductile? In this video we will discuss metal, non-metal definition and also I will explain properties of metals कि कितनी सारी properties कितनी metals की हैं वो सारी explain करूँगा अच्छी तरीके से क्योंकि फिर आपको next chapter में दिक्कत ना हो। course आपका थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि बहुत सारा course उन्होंने down कम कर दिया है तो इस वजह से second chapter काफी important है वो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो course आपका होगा वो जब भी इसको video open होगी तो दो chapter आपके chemistry के रह जाएंगे उसमें से other chapter घट चुके हैं उनको मैं अच्छी तरह से explain कर दूंगा विद experiment। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? मेटल्स में है कि मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलेबल एंड डक्टाइल। वो एलिमेंट जो मैलेबल भी है डक्टाइल भी है वो प्रॉपर्टीज होती है जो ये शो कराती है कि अगर हम किसी मेटल को किसी अगर स्ट्रेच करते हैं तो वायर भी चेंज हो जाती है। स्ट्रेच ऐसे नहीं करते किसी मेटल के लिए आपने स्ट्रेच कर दिया लोन, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। उसके बाद ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वायर में चेंज आसानी से हो जाएगा या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मैलेबल होते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे एलिमेंट्स जो मेटल है वो मैलेबल है। देयर आर मोर देन 76 मेटल्स, 76 से ज्यादा मेटल्स हैं। सारे के सारे मेटल्स आपके डक्टाइल नहीं है, सारे के सारे मेटल्स आपके मैलेबल नहीं है। ये जो डेफिनेशन है वो कुछ ही मेटल्स के लिए दी गई है, मगर हाँ ये होता है कि वो अच्छी तरीके से इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं इसलिए ये मैलेबल एंड डक्टाइल है। कुछ ज्यादा डक्टाइल हो जाते हैं, कुछ कम डक्टाइल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डक्टाइल हो सकते हैं। इन तरीके से भी उनको डिफाइन किया जा सकता है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आपकी नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग यही रहेगी कि मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं मेटल्स। इफ एनीबॉडी इज सेइंग दैट कि गिव द थ्री एग्जांपल्स व्हिच इज गिव द थ्री एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास तीन सबसे बेस्ट होते हैं। पहला है सिल्वर, सेकेंड है कॉपर एंड थर्ड इज एल्युमिनियम। ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करा सकते हैं, ये वो मेटल्स हैं। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ आयरन, सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। कॉपर इज ऑल्सो एन एलिमेंट मेटल, कॉपर सी इट इज ऑल्सो मेटल, सिंबल इज AL, जिंक सिंबल इज ZL, सिल्वर सिंबल इज Ag, गोल्ड सिल्वर इज गोल्ड सिंबल इज Au, प्लेटिनियम Pd, क्रोमियम Cr, फिर इसके बाद सोडियम Na, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca। तो मोर देन 76 मेटल्स प्रेजेंट इन योर पीरियोडिक टेबल एंड सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर हियर। हमने कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया है, आसानी से डेफिनेशन को देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है जस्ट नोट किया है इसका, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सॉलिड। एंड एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी जिसका सिंबल है Hg, वो एक लिक्विड मेटल है। क्या है? लिक्विड मेटल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो वी कैन से दैट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड्स हैं, एक दो को छोड़ करके जिसमें मर्करी आता है जो कि लिक्विड है। आगे कुछ तीन एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जो लिक्विड भी हैं, लिक्विड की फॉर्म में आ सकते हैं बट वो रूम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर, कोई 28 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन सकता है, कोई 29 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन सकता है। मेटल्स की बात कर रहा हूँ मगर ये ऑर्गेनिक मेटल लिक्विड ही रहता है मर्करी। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स
अपोजिट होता है या नॉन मेटल का, तो मैं कहता हूँ यस अपोजिट होगा, मगर कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि वो एक्सेप्शन जो हम ये पढ़ सकते हैं कि कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कैसे सर, कोई सा एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ग्रेफाइट व्हिच इज यूज फॉर मेकिंग बैटरीज, जो हम लोग बैटरी बनाते हैं, जो इन्वर्टर बैटरी बनाते हैं उसमें ग्रेफाइट की सेल पड़ती है। सिंबल इज कार्बन, जो सिंबल दोस्तों सी। एक्चुअली ये नॉन मेटल की एक फॉर्म है, मगर कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन तो ये है इसकी सिंपली, ये नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हियर वी पुट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर उसने कैन नॉट का यूज नहीं किया है, डज नॉट का यूज किया है, बिकॉज डज नॉट का मतलब है कि वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, मैं मानता हूं, मगर ऐसा नहीं है कि वो करेगा ही नहीं कभी। तो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आप दे दीजिए, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो वो ज्यादा मैलेबल होता है ना ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उनको बोलते हैं एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, सिंबल ऑफ सल्फर इज एस, सिंबल ऑफ क्लोरीन इज सीएल एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज ओ। तो ये आपके पास है मेटल्स डेफिनेशन, ये है नॉन मेटल की डेफिनेशन। इससे आप अपने फील्ड का उठा लीजिए और किसी को भी, किसी भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को भी, डिग्री केमिस्ट्री में किसी भी पॉइंट पर एवरी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इफ यू वांट। आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटलॉइड के बारे में, इसके बाद बात करेंगे मेटलॉइड के बारे में। चलिए हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की, इसकी बात करते हैं मेटलॉइड। इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो तीसरे टाइप का एलिमेंट्स का तीसरा टाइप जो है वो है मेटलॉइड्स। अब सर मेटलॉइड्स क्या होता है, मैं आपको पहले समझा दूँ। मेटलॉइड्स होते हैं जब दो है, जो एक एलिमेंट दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कभी कभी तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ नॉर्मल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हम उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। ऐसे मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है और वो मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है और मेटलॉइड्स की नॉर्मल की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए उसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उसकी यूजेज भी पढ़ेंगे, क्या कहा इसका यूज करते हैं। मैं जो हिंट दे रहा हूँ, सिलिकॉन यूज हम लोग करते हैं सोलर पैनल्स बनाने में, जो सोलर सेल्स आते हैं, सोलर पैनल्स आते हैं, इसमें हम यूज करते हैं मेटलॉइड्स का, इसका नाम है सिलिकॉन या और भी मेटल्स का मेटलॉइड्स का यूज करते हैं। नाउ चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। मेटलॉइड्स क्या है, द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की रखते हैं, हम उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल, मेरे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एल्युमिनियम है और पोलोनियम है। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास मेटलॉइड्स है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, पोलोनियम एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स के। क्लियर, आप मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। बेसिकली बात की जाए तो 9 से लेकर के 12 तक इसकी प्रॉपर्टीज है बेसिकली, मतलब 9 या 12, 1 से लेकर के 12 तक प्रॉपर्टीज है। तो 1 to 9 हो सकती है, 1 to 12 भी हम पढ़ सकते हैं। जितनी आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़ेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन व्यू मिलता जाएगा मेटल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सर मेटल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, दो होती है सर, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में भी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में है थोड़ी बहुत, उनको मैं पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है इंपॉर्टेंट, वो देखिए। पहली है मेटल्स आर मैलेबल,
मेटल्स आर मैलेबल। मेटल्स आर मैलेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी मेटल को हैमर से हैमर के हेल्प से पीटते हो तो वो थिन शीट्स में चेंज हो जाएगी। इसमें होती है थिन शीट्स में, जब वो थिन शीट्स में चेंज हो जाएंगी तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मैलेबल, क्या बोलते हैं मैलेबल। दिस मीन्स व्हेन दैट मेटल्स कैन बी वीकन इनटू थिन शीट्स। जब मैंने उसे बीट किया तो वो एकदम ही चार बिल्कुल के बाद वो शीट्स में चेंज किया, किसमें चेंज किया शीट्स में चेंज कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं मैलेबल। मगर ध्यान रखने की बात यह है कि वो टूटे ना विदाउट ब्रेकिंग और सीधे ही वो मेटल में तो वो सीट्स में चेंज होते बोलते हैं मैलेबल, क्या बोलते हैं मैलेबल। क्या दिस मीन्स व्हेन दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर इज कॉल्ड मैलेबल, क्या बोलते हैं इसको मैलेबल। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मैलेबल मेटल्स। उनमें तो बेस्ट मेटल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मैलेबल मेटल्स। बात करते हैं मेटल्स ऑफ डिफरेंट कौन कौन से मेटल कट्टा रहते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अभी थोड़ा सा सर्दी हो गई मुझे इसलिए। मेटल्स ऑफ डिफरेंट होते हैं, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। मेटल्स को अगर हम वायर्स में चेंज कर दें किसी एक्शन फोर्स की हेल्प से हम उसको बोलते हैं डक्टाइल, क्या बोलते हैं डक्टाइल। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी, क्या बोलते हैं डक्टिलिटी। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, सारे मेटल इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग है कि वो कितना याद कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से ये है कि हर एलिमेंट की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जनरली डक्टिलिटी इस तरह से पाई जाती है गोल्ड में एंड सिल्वर में। मैं जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके पास एक ग्राम गोल्ड है तो मैं कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर तक के वायर को बना सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। बहुत पतला वायर होगा, बहुत पतला, इसको आप अपनी नेक गैस से भी देख नहीं पाएंगे, तो ये इतना वैल्यूबल है। बात को रखता है सॉरी तो ये गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर इतने रखते हैं रखते हैं सबसे ज्यादा डक्टिलिटी इन्हीं की होती है। फिर आता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको आज पढ़िएगा और फिर इसको लिख के लिखिएगा के लिए। तो आज जो है ये टॉपिक्स मैंने खत्म कर दिए हैं, आगे वाली वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा और टॉपिक पे बात करेंगे होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन बन के आते हैं, कौन सा मेटल लिक्विड है, कौन सा मेटल सॉलिड है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, कौन सा नॉन मेटल गैस है, तो बहुत टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत डीप इसको पढ़िए, वन बाय वन वन फाइव करिए, चाहे आप साइड बुक से पढ़ें चाहे आप एनसीईआरटी से। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री यू कैन आस्क मी एंड यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, क्लियर, आई विल गिव यू आंसर। आज के लिए इतना काफी।